सो भाई आज जो है NS200 अपनी NS200 की जो है ऑफ रोडिंग करेंगे, जो कि मैंने ज़्यादा वीडियो बनाई नहीं इस पर, कभी FGX पे ज़्यादा फोकस कर रखा है तुम्हारे भाई ने। तो ये रही अपनी NS200, तो इसको लेके जाएंगे भाई इस ट्रैक में। ये देखो पीछे कीचड़ बनाया हुआ है, बिल्कुल बन रखा है, मतलब चिकनी मिट्टी यहाँ पे। और FGX की भी मैंने जो है की है यहाँ पे ऑफ रोडिंग, तो वो दीपक राव व्लॉग्स पे जाके देख लो, वहाँ पे वो वीडियो आपको मिल जाएगी। और अभी जो है लेके चलते इसमें, बाइक दिखा देता हूँ आपको। एंड गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, 3 लाख सब्सक्राइबर्स के काफ़ी करीब हम, लगभग जो है 200 से 300 सब्सक्राइबर्स चाहिए अपने जो है 3 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। सो वीडियो देखने से पहले जो है सब्सक्राइब जरूर कर लेना, था कि आपके भाई कल सुबह तक जो है आपके भाई के 3 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, और आपके लिए जो है एक सरप्राइज़ भी ड्रॉप करना है। सो जल्दी से सब्सक्राइब करो। तो भाई ये देखो अपनी, वैसे रिकमेंड नहीं करता कि भाई आप ऐसे करो, लेकिन फिर भी एक टेस्ट हो जाना चाहिए कि भाई ये बाइक निकल सकती है या नहीं निकल सकती ऐसे रोड्स के अंदर से, मतलब ऐसे कीचड़ वीचड़ के अंदर से। ये तो भाई आराम से निकल गई, लेकिन एक बार के लिए तो भाई ये भी फंस गई थी आगे जाके, जो वहाँ पे जो कीचड़ है वो वहाँ जाके तो ये भी फंस गई थी एक बार। लेकिन फिर जो इसके टायर्स है वो भाई ऐसे ही ग्रिप बना के रखते हैं, तो ये आराम से निकल भी गई। लेकिन इसके जो टायर्स है वो थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं, तो ये मेरे को नहीं लगता कि भाई निकल पाएगी। लेकिन फिर भी एक टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट करने में क्या जाता है, तो वो एक बार करके देख लेते हैं और देख लें कैसी परफॉर्मेंस है इसकी। इसमें जो है वेट भी ज़्यादा है इससे और पावर भी इससे ज़्यादा है, तो आई थिंक ये ज़्यादा स्लिप करेगी, बट फिर भी एक बार लेके चलते हैं। भाई यहाँ तक तो बड़े आराम से निकल गई, अब जो आगे रोड है भाई वहाँ देखते हैं कि वहाँ निकलेगी नहीं निकलेगी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कीचड़, तो वहाँ लेके चलते एक बार। आज आगे अभी यहाँ से निकल गई ना, तो भाई फिर सक्सेस है, मतलब फिर कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी निकाल दो, क्योंकि तो चिकनी मिट्टी है। भाई निकल गई आराम से, थोड़ी सी स्पीड से निकालनी पड़ी, मतलब यहाँ से आराम से ली ना तो धस जाएगी, थोड़ी सी स्पीड से ही लेना ताकि एक ट्रैक्शन बन जाए और आराम से निकल जाए बाइक। तो यहाँ से मैंने थोड़ी स्पीड से ली पहले से ही, तो निकल गई आराम से। अभी आगे थोड़ा सा और कीचड़ उसमें निकाल दी, तो भाई अब देखो निकल गई आराम से। FGX भी फंस गई थी एक बार के लिए, बट पावर का फ़र्क होता है, तो भाई ये तो निकल गई, इसमें इतनी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि ये मैंने स्टार्टिंग में जैसे ही, मतलब वो कीचड़ था ना, हैवी कीचड़ वहाँ पे, तो उससे पहले मैंने थोड़ी सी रेस दे दी और एकदम से झटके से निकल गई भाई, तो थोड़ी दिक्कत नहीं आई। बट ये देखो भाई कैसे मिट्टी मिट्टी फंस गई है यहाँ पर, ये देखो पूरा जो मडगाड़ो फुल हो गया है। बट इसमें एक चीज़ है कि भाई यहाँ पर ना जो इंजन लाइट होती है वो ऑन नहीं हुई, ये देखो ये इंजन लाइट तब की तभी ऑन हो जाती भाई उसके अंदर, FG के अंदर। लेकिन इसमें सही है, तो सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, NS भी आराम से निकल जाती है, तो कहने का मतलब है कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे भी थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग कर सकते हो, लद्दाख वगैरह के लिए जाने की सोच रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाओ विदाउट एनी टेंशन।
और बाइक में जो है ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट भाई थोड़े तो एफर्ट्स करती है बाइक, तो वो तो आपको भाई करने पड़ेंगे इसके साथ में, लेकिन इतनी भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, आपको ज़्यादा ही दिक्कत सामना करना पड़े तो आराम से आप निकाल सकते हो। ऐसे अभी निकल गई है तो भाई ऐसा ही कीचड़ मिलेगा आपको वहाँ पे भी कई कई रास्तों पे, और कहीं कहीं पे पत्थर वत्थर भी मिलते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा टच वगैरह होने का डर होता है, बट वो भी इजीली जो है आप क्रॉस कर सकते हो। तो ये सीन है भाई, ये थी एनएस की जो है परफॉर्मेंस, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, बाइक जितनी हाईवे पे कैपेबल है उतनी जो है भाई ऑफ रोडिंग में भी कैपेबल है। तो ये था कुछ आज की वीडियो में, छोटी सी ऑफ रोडिंग की जो कि आपको दिखाई मैंने। तो ये था इस कुछ आज की वीडियो में, बाकी मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी डाउट्स इंस्टा पे मैसेज करो, तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।